नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट आई विद एनर्जी 100 जूल। तो हमको यू आई पता है, यू आई गिवन है 100 जूल, या ग्राफ में भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये स्टेट वेरिएबल है, ठीक है। एंड टू द फाइनल स्टेट एफ अलोंग टू डिफरेंट पाथ्स, ठीक है, एक पाथ है आई ए एफ और एक पाथ है आई बी एफ। द वर्क डन बाय द सिस्टम अलोंग द पाथ ए एफ, देखना जरा ध्यान से, डब्ल्यू ए एफ इज गिवन 200 जूल, ठीक है, डब्ल्यू आई बी इज गिवन 50 जूल एंड डब्ल्यू बी एफ इज गिवन 100 जूल, ठीक है। द हीट सप्लाइड टू द सिस्टम अलोंग आई ए एफ आई बी गिवन है, यू बी का वैल्यू गिवन है, क्यू आई ए एफ गिवन है, तो क्यू आई ए एफ की वैल्यू गिवन है 500 जूल, तो हमें इसमें क्यू बी एफ और क्यू आई बी का रेशियो निकालना है, यू बी हमको पता है, यानी इस पॉइंट पे भी हमको एनर्जी पता है 200 जूल। अब देखो सबसे पहले क्यू आई ए एफ को हम लोग लिख सकते हैं डब्ल्यू आई ए एफ प्लस डेल्टा यू आई एफ, ठीक है। तो डब्ल्यू आई ए एफ में अगर आप ध्यान से देखो तो डब्ल्यू आई ए तो जीरो होगा ना, क्योंकि वो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो इसमें सिर्फ डब्ल्यू ए एफ बचेगा, तो डब्ल्यू ए एफ की वैल्यू है 200, और यू आई एफ को लिख सकते हैं यू एफ माइनस यू आई, यू आई हमको दिया हुआ है 100, तो यहाँ से आप देखो यू एफ की वैल्यू आपको मिल जाएगी सबसे पहले 400 जूल, तो हमें इस पॉइंट पे एनर्जी मिल गई, इंटरनल एनर्जी 400 जूल, ठीक। अब क्यू आई बी अगर निकालना है तो क्यू आई बी की वैल्यू होगी डब्ल्यू आई बी प्लस डेल्टा यू आई बी, तो डब्ल्यू आई बी हमको पता है इट इज 50 जूल, एंड डेल्टा यू आई बी को लिखेंगे यू बी माइनस यू आई, तो ये आ जाएगा 100 जूल, तो ये हो जाएगा 150 जूल। और क्यू बी एफ, क्यू बी एफ के हम लिख सकते हैं डब्ल्यू बी एफ प्लस डेल्टा यू बी एफ, तो डब्ल्यू बी एफ की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 100, और डेल्टा यू बी एफ की वैल्यू हो जाएगी 200, डेल्टा यू बी एफ की वैल्यू हो जाएगी 200, तो ये वैल्यू आ जाएगी 300 जूल, ठीक है ना। तो क्यू बी एफ और क्यू आई बी का जो रेशियो है ये इक्वल टू 2 आ जाएगा।